ये पुरजे ये फरमाना होते, ये मशीने ये पुरजे ये फरमाना होते। अरे अगर विश्व में विश्व फरमाना होते, अगर विश्व में विश्व कर्मा ना होते, ना होते ना होते, अगर विश्व में विश्व कर्मा ना होते, ना होते भर में ना होते, अगर विश्व में विश्व कर्मा ना होते, ना होते
वर्मा ना होते, लखा ये शर्मा ये वर्मा ना होते, अगर विश्व में विश्वकर्मा ना होते, ना होते विश्वकर्मा की जयंती आई है। बाबा विश्वकर्मा की जयंती आई है। बाबा विश्वकर्मा की जयंती आई है। बाबा विश्वकर्मा की जयंती आई है। सारे भक्तों के दिल में देखो खुशियाँ छाई है। सारे भक्तों के दिल में देखो खुशियाँ छाई है। विश्वकर्मा की जयंती आई है। सतयुग में स्वर्ग बनाया, त्रेता में सोने की लंका। सतयुग में स्वर्ग बनाया, त्रेता में सोने की लंका। द्वापर में बनाया द्वारिका, कलयुग में बजाया डंका। द्वापर में बनाया द्वारिका, कलयुग में बजाया डंका। सारे देवों ने मिलके ये महिमा गाई है। सारे देवी देवों ने ये महिमा गाई है। बाबा विश्वकर्मा की जयंती आई है। चाहे वो देवालय हो, चाहे वो शिवालय हो, चाहे वो देवालय हो, चाहे वो शिवालय हो, चाहे वो साधन हो, चाहे संसाधन हो, चाहे वो साधन हो, चाहे संसाधन हो, विश्वकर्मा बाबा ने सब स्वयं बनाई है। विश्वकर्मा बाबा ने सब स्वयं बना सतयुग में स्वर्ग बनाया, त्रेता में
सोने की लंका, सतयुग में स्वर्ग बनाया, त्रेता में सोने की लंका, द्वापर में बनाया द्वारिका, कलयुग में बजाया डंका, द्वापर में बनाया द्वारिका, कलयुग में बजाया डंका। सारे देवों ने मिलके ये महिमा गाई है, सारे देवी देवों ने ये महिमा गाई है, बाबा विश्वकर्मा की जयंती आई है। चाहे वो देवालय हो, चाहे वो शिवालय हो, चाहे वो देवालय हो, चाहे वो शिवालय हो, चाहे वो साधन हो, चाहे संसाधन हो, चाहे वो साधन हो, चाहे संसाधन हो, विश्वकर्मा बाबा ने सब स्वयं बनाई है, विश्वकर्मा बाबा ने सब स्वयं बनाई है, बाबा विश्वकर्मा की जयंती आई है। सब अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण किया तुमने, सब अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण किया तुमने, सब देवी देवों को प्रदान किया तुमने, सब देवी देवों को प्रदान किया तुमने, लिखते गाते देवेंद्र सबको ये बधाई है, लिखते गाते देवेंद्र सबको ये बधाई है, बाबा विश्वकर्मा की जयंती आई है। विश्वकर्मा जी रे था, ओ चालो
भाई यारे दर्शन कर लो सावरिया रे हो सुथार कुड़ में राज करे है पूरण सब राज करे है लूड़ लूड़ करारे प्रणाम भाई यारे चलो चलो विश्वकर्मा जी रे ओ चलो जी चलो चलो रे भाई डारे चलो चलो विश्वकर्मा जी रे सुथार कुल के मुकुट मणि कारीगर किरतार धनी जय हो जय हो भगतों रो बेड़ो पार कियो भगतों रो बेड़ो पार कियो सृष्टि रो विस्तार करायो ऋषि मुनियों ने तार दियो ऋषि मुनियों ने तार दियो नौ खंड में जारो नाम गुंजावे नौ खंड जारो नाम गुंजावे जो सिमरे सोवे सब सुख पावे जो सिमरे वो सब सुख पावे नौ खंड में जारो नाम गुंजावे जो सिमरे सो सब सुख पावे मंदड़ा में मिले रे आराम भाई डारे चलो चलो विश्वकर्मा जी रे धाम चालो जी चालो चालो भाई डारे चालो चालो विश्वकर्मा जी रे धा रत्न सिंहासन प्यारो है रत्न सिंहासन प्यारो है जिन पे विश्वकर्मा जी विराजे देव भूमि रो नजारो है देव भूमि रो नजारो है ओ सुथार कुल रो मेलो लागे सुथार कुल रो मेलो लागे ओ सूता भाग आया सू जागे भाग आया सू जागे अरे सुथार कुल मेलो लागे सूता भाग आया सू जागे लूल लूल करारे प्रणाम भाई डारे चलो चलो विश्वकर्मा जी रे ओ चलो जी चलो चलो भाई डारे चलो चलो विश्वकर्मा जी रे भवन निर्माण रा देव कहावे सब कारीगर ध्यावे है सब कारीगर ध्यावे है सुथार कुल सिर मोर सावरो रुच रुच भोग लगावे है रुच रुच भोग लगावे है हो चोरी जगमग ज्योत जगावे चोरी जगमग ज्योत जगावे हो नित मंगल आरतियां गावे नित मंगल आरतियां गावे चोरी जगमग ज्योत जगावे नित मंगल आरतियां गावे मनड़े में रटे नित नाम भाई डारे चलो चलो विश्वकर्मा जी रे धाम चालो जी
भाईड़ा रे, चलो चलो विश्वकर्मा जी रे धा। सतमन ध्यान लगावे है, सतमन ध्यान लगावे है। ओ इंदर शर्मा गावे प्रेम सु मीठा भजन सुनावे है, पारस ध्यान लगावे है। सुने सांभणे जो सुख पावे, सुने सांभणे जो सुख पावे। अनधन लक्ष्मी वीण घर आवे, अनधन लक्ष्मी वीण घर आवे। ओ सुने सांभणे जो सुख पावे, अनधन लक्ष्मी वीण घर आवे। रख लो सावरिया वालो नाम भाईड़ा रे, चलो चलो विश्वकर्मा जी रे धाम। चालो जी चालो, चालो भाईड़ा रे, चालो चालो विश्वकर्मा जी रे धा। सुथार गुण के मुकुट मणि, कारीगर किरदार धनी,
हमारे बीच श्रीमान सरवण जी जांगीर जो की पूर्व जिला अध्यक्ष महासभा झुंझुनू और वर्तमान में जो जांगीर समाज विकास समिति है उसके सचिव है, श्रीमान से आग्रह रहेगा कि आप मंच पे पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें। आजो आजो। और पूर्व नौका चांदावता सरपंच समाज सेवी श्रीमान परसाराम जी जांगीर भी विराजमान है, आपसे आग्रह रहेगा कि आप मंच पे पधारें और ये विकास समिति आपका स्वागत अभिनंदन करती है। और आप सब जो समाज के मानुभाव पधारे हैं, जो बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन, जो आपने अपना बहुमूल्य टाइम निकाला है और समाज के लिए आप उपस्थित हुए हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन एवं धन्यवाद। और आज के इस प्रोग्राम की शोभा हमारे बीच श्रीमान कुदरिया साहब पधार चुके हैं, आपका समाज बंधु खड़े होकर के हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष पधार चुके हैं, इनका स्वागत और गर्मजोशी से अभिवादन करेंगे। ये जो 17वां वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह एवं छात्रावास में नव निर्मित कमरों के लोकार्पण का जो प्रोग्राम आयोजन हो रहा है, इसमें हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान शंकर जी कुदरिया और कार्यक्रम के अध्यक्षता करें श्रीमान राम गोपाल जी सुधार पधार चुके हैं, श्रीमान से आग्रह रहेगा कि आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जिला नागौर, आप सभी उपस्थित समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मंच पर लाने का और सम्मान करने का कार्यक्रम निरंतर रूप से कर रही है। इसी कड़ी में आज ये 17वां वर्ष, 17वीं बार आज ये विश्वकर्मा विकास समिति का प्रतिभा प्रोत्साहन समारोह आज इस विश्वकर्मा छात्रावास के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। वैसे तो आप सबको अवगत होगा, श्री विश्वकर्मा विकास समिति का भवन अपने इंदिरा कॉलोनी में सैनिक बस्ती चौराहे पर स्थित है। प्रतिवर्ष कार्यक्रम हमारा वहां पर आयोजित होता है। यहाँ पे कुल पहले 2 बार कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, 3 बार, और आज ये 4थी बार इस विश्वकर्मा छात्रावास में प्रतिभा प्रोत्साहन समारोह का आयोजन हो रहा है। श्री विश्वकर्मा विकास समिति की स्थापना शिलान्यास के रूप में विजयादशमी के दिन आयोजित हुई थी, और विजयादशमी के दिन इस छात्रावास की नींव रखी गई। विजयादशमी पर ही इस छात्रावास के ऊपर हॉल का निर्माण हुआ, विजयादशमी पर ही वह भवन में हॉल का निर्माण हुआ, और प्रतिवर्ष शिलान्यास और इसका उद्घाटन ये विजयादशमी के दिन ही आयोजित होता है। चूंकि समाज में बहुत बड़े स्तर पर भगवान विश्वकर्मा का पूजन मनाया जाता है, इसे सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े कल कारखानों में विश्वकर्मा पूजन दिवस 17 सितंबर ये एक निर्धारित दिन है। हमारी विश्वकर्मा जयंती हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हमारी जो भारतीय कालगणना है उसके अनुसार हमारी विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, लेकिन विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा पूजन दिवस ये 17 सितंबर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पूरे देश भर में एक साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो समाज के युवाओं की भी इच्छा थी, और विजयादशमी पर खेतीबाड़ी का कामकाज रहता है, सामने दीपावली की सीजन रहती है, व्यापारी वर्ग भी व्यस्त रहता है, इस वजह से इस कार्यक्रम को हमने 17 सितंबर हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया। आज 16 सितंबर को यह कार्यक्रम हो रहा है। आपको लगेगा कि भाई एक दिन पहले क्यों हो रहा है, तो कल हमारा एक बहुत बड़ा उत्सव होता है अनंत चतुर्दशी। इस दिन हमारे गणपति विसर्जन का भी कार्यक्रम होता है, भाई लोगों के सबके ये जो पुरुषों का एकमात्र व्रत होता है अनंत चतुर्दशी का, ये कल रहता है, कोई उजेवना करते हैं, कोई व्रत करते हैं, तो कल सबकी व्यस्तता भी रहेगी। इस वजह से आज एक दिन पहले इसको 16 सितंबर को आज का ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। इस विकास समिति के द्वारा निरंतर आप देख रहे होंगे, आप सब लोगों के माध्यम से, आप सभी भामाशाहों के माध्यम से, मंचस्थ और सामने विराजित लोगों के सहयोग से भवन का निर्माण हुआ, छात्रावास का निर्माण हुआ, और हमारे उपस्थित जो भामाशाह हैं श्रीमान शंकर जी कुलरिया, इनके बड़े भाई साहब खान जी कुलरिया, आप हम सबके बीच में विराजित हैं। आपके द्वारा ये जो हमारे इस मंच के सामने का जो ऊपर का जो पूरा ब्लॉक है,
जिसके लिए आपके द्वारा 11 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग श्री विश्वकर्मा विकास समिति को दिया गया था। और आज हम ऊपर के हिस्से के भवन का लोकार्पण भी आपके कल घर गमलों से आज हम ऊपर इस ऊपरी हिस्से का आज हम उद्घाटन भी इस कार्यक्रम के अंदर करने जा रहे हैं। तो मैं समस्त मंचस्थ महानुभावों से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए हम सर्वप्रथम हमारे देव प्रभु हमारे इष्ट श्री विश्वकर्मा भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करावें। आप सभी मंचस्थ महानुभावों से निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलन करावें। इसी क्रम में हमारे बीच बामासा जवाहरलाल जी कुसुम विवाद मारवाड़ मुंडवा से एवं जगदीश प्रसाद जी कुसुम विवाद वो भी समाज सेवी मारवाड़ मुंडवा से हमारे बीच उपस्थित है। आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पे पधारें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। श्रीमान कुसुम विवाद जी Thank you.
दूर जाके दिए सर, एक बार सभी सामने देखें और वो भी सापे के साथ। तो दुपट्टा और सापे के साथ हमारे मंच पे विराजमान जो अतिथिगण है इनका स्वागत किया जाएगा और समाज बंधुओं का जिनका नाम अनाउंस किया जाता है कृपया आप तुरंत पधारें, क्योंकि जो हमारे बीच में डिग्निटरीज उपस्थित है वो अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम लेके हमारे बीच आए हैं, तो इनका टाइम वेस्ट नहीं हो। अब मैं श्री रामदेव जी सरूर से निवेदन करूंगा, कृपया मंच की तरफ आए, सम्मान करें। श्री राम गोपाल जी सुधार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप पूर्व में डूंगरगढ़ में नगर पालिका के अध्यक्ष, प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बीकानेर ग्रामीण के, आप जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, चूरू के आप जिला संगठन प्रभारी, ऐसे अनेकों दायित्वों के साथ रहते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अपने, चाहूंगा श्री मुरली जी हर्षवाल और श्री हरिराम जी कड़लवा कृपया मंच पर पधारे, मंच पर पधारे। श्री शोभा राम जी सर इधर देखिए, श्री शोभा राम जी और पुखराज जी, राम जी कुलरिया और श्री कौरीलाल जी इनाना कृपया मंच पर आए, श्री राजा राम जी कुलरिया और श्री कौरीलाल जी इनाना कृपया मंच पर पधारे। देखिए श्री लोनकरण जी कांगसिया और श्री विजय जी बरेडवा, आप श्री रामचंद्र जी उत्ता सर सामने देखिए, अखिल भारतीय जागीर ब्राह्मण महासभा के पूर्व जिला अध्यक्ष है श्री रामचंद्र जी उत्ता, आपके स्वागत के लिए मैं श्री लोनकरण जी और श्री विजय जी से निवेदन करूंगा। आगे मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री कमल जी कुलरिया और श्री भियाराम जी नराधना, कमल जी कुलरिया माहिदर बाजा सर सामने, और श्री भियाराम जी नराधना कृपया मंच पर पधारे, और श्री राम कुमार जी कुलरिया जमा सर आपसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारे, श्री कुदरा जी कांगसिया, सर सामने एक सिंह भैसा थोड़ा थोड़ा भैसी बैठा बैठा तो भाई जी एक मिनट आगू बैठो आगू आगू कृपया मंच पर बता रहे सामने। आगे मैं श्री मनोज जी जनना बाबूजी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर बता रहे हैं, इन्हीं के साथ में श्री अंडाराम जी जेटीओ आपसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर बता रहे, ले लीजिए श्री मनोज जी और श्री अंडाराम जी कृपया मंच पर बता रहे, आप श्री सरवंत राम जी हमारे मेहता तहसील अध्यक्ष का सम्मान करेंगे। श्री पांचाराम जी और शंकर जी अटवासिया, आप श्री लतुराम जी
मोंडवा तहसील अध्यक्ष का सम्मान करेंगे। सर सामने। आप श्री जितकरण जी मंदिर अध्यक्ष जैल का सम्मान करेंगे। अब सामने देखिए। निवेदन करूंगा कृपया मंच पर बता रहे। मंच पर बता रहे श्री रमेश जी इनाना। नमीजन जी अगर मंच पर या उपस्थित है कृपया मंच पर आए। लून चेना और श्री सुखराम जी माकड़ आपसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारे। मंच पर पधारे श्री ओम प्रकाश जी भरणवा और श्री रामलाल जी कृपया मंच पर पधारे। आप श्री रामेश्वर जी जागीर गोटन का सम्मान करेंगे। इधर देखे सर सामने। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री लक्ष्मण जी कड़लवा सलेहू। श्री लक्ष्मण जी कड़लवा सलेहू और श्री संजय जी मांगड़ोद कृपया मंच पर बता रहे। संजय जी मांगड़ोद हाथ लगे सर साथ में। श्री हेमाराम जी नराधना, रामकिशोर जी पिंटू जी कृपया मंच पर बता रहे। आपसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए। साथ में गणपत जी बरेडवा मंच पर आए। दिनेश जी गणपत जी आप श्री जयप्रकाश जी का सम्मान करेंगे। श्री दिलीप जी कुलरिया और श्री महावीर जी अटवासिया आपसे निवेदन करके मंच पर आए। एवं श्री कमलेश जी सलून करके मंच पर आए। श्री कमलेश जी सामने। श्री विनीता जी हमारे महासभा महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष है विनीता जी खिंसर से आप इनका सम्मान करेंगे। इधर देखे सर सामने। हाँ थोड़ा इधर घूमिए सामने। इधर देखिए सामने। इधर देखिए अभी सुस्ती है भाई ऐसा मत। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। हाँ अब कुछ लगा कि कुछ संख्या इकट्ठी हुई है। आज सत्र में प्रतिभा समान समारोह में मंचस्थ और हमारे समाज के बड़े भामाशाह आदरणीय कानाराम जी शंकर जी कुलरिया और आज के कार्यक्रम में हमें विशेष तरह विशेष कृपा करके पधारे हुए हमारे राज्य सरकार में राजस्थान सरकार में मंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम गोपाल जी सुधार साहब, हमारे विश्वकर्मा महासभा के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष श्री जवाहरीलाल जी,
समस्त मंचस्थ अतिथि सबका नाम लूंगा तो मेरे को आदेश मिला कि बहुत कम बोलना है, इसलिए नाम लूंगा तो मेरा समय नाम लेने में चला जाएगा। इसलिए अति सम्मानित मंच, मातृशक्ति और पधारे हुए समाज के अति विशिष्ट गणमान्य मेरे सहयोगी और मीडिया के साथ, एक छोटा सा कार्यक्रम 17-18 वर्ष पहले जो शुरू हुआ उसने अनवरत रूप से एक सैलाब का रूप ले लिया और प्रतिवर्ष आप लोगों के सहयोग से 300-400 प्रतिभाओं का सम्मान इस समारोह में किया जाता है। मैं विकास समिति के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि इस कार्यक्रम को इन्होंने सतत चालू रखा और समाज में प्रेरणा देने का, प्रोत्साहित करने का काम। हम लोग कुचामन में विश्व को ये जांगीर ब्राह्मण महासभा का एक कार्यक्रम था, उसमें हम लोगों को नागौर वालों के गुलहाना मिला था कि आपके नागौर में तो छात्रावास ही नहीं। उस समय मैं महासभा का अध्यक्ष था तो मैंने उनसे आग्रह किया, भैया हमारे नागौर जिले में अभी 11 छात्रावास है, तो आप कौन छात्रावास की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा नागौर मुख्यालय पे कहाँ है? उन्होंने कहा हमारे मंदिर में है और आपकी इच्छा है तो दूसरा बना देंगे। 2006 की बात है और 2007 में हमने इसका यहाँ शिलान्यास किया था और 2008 में उद्घाटन कर लिया, एक साल बाद इस नीचे वाले पोर्शन पूरे का। तो मैं आभार व्यक्त करूंगा समाज के उन भामाशाहों के प्रति और निर्माण कार्य में सहयोग करने वाले हमारे विकास समिति के अध्यक्ष जी, कार्यकर्ता, सहयोगी सबका कि उन्होंने अथक मेहनत से एक वर्ष में इस भवन का निर्माण करके समाज को सुपुर्द किया और जिसका प्रतिरूप आज आपके सामने है। ऊपर बहुत बड़ा लाइब्रेरी भवन संत दुलाराम जी कुलैया परिवार द्वारा, ऊपर के कमरों का निर्माण संत पद्माराम जी कुलैया के परिवार द्वारा और नीचे के सब कमरों का सहयोग समाज के अति विशिष्ट महानुभावों की तरफ से किया गया, इस बात के लिए आप सबका आभार और धन्यवाद। बंधुओं, पिछले 15-20 वर्ष में जो कुछ परिवर्तन देखने को आए, सरकारी सेवाओं में हमारे लोग बहुत कम हुए। रेयर केस में कोई मास्टर मिल गया या कोई अधिकारी JNAM मिल गया। इस 20 साल में हमारे बच्चों ने पढ़ाई में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं पास की है, सरकारी सेवाओं में सतत रूप से हमारे बच्चे आ रहे हैं। तो समाज की सरकारी सेवा में भी और शिक्षा क्षेत्र में भी आज जितनी बड़ी भागीदारी बढ़ी है उसमें भी समाज के लोगों का सहयोग रहा और लोगों बच्चों की मेहनत कामयाब रही, इस बात के लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। ये कार्यक्रम आप सबका, जिले भर में जो भी प्रतिभा किसी के संज्ञान में आए इन लोगों के पास इंदराज कराएं और उसको सम्मानित करावें ताकि दूसरे लोग उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ने का प्रयास करें, ऐसा मेरा मानना है और आप सब लोग इसमें सहयोग देंगे ऐसी मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है और आशा। राजनीतिक क्षेत्र की, क्यों मैं उस क्षेत्र का आदमी हूं इसलिए बात किए बिना रह नहीं सकता, शायद मुझे नहीं करनी चाहिए पर करनी भी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में हमारी भागीदारी बहुत शून्य नगण्य। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे दो प्रत्याशियों को टिकट दिए थे, दुर्भाग्य से हम दोनों हार गए। परंतु पिछली विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से हमारा एक प्रत्याशी विधानसभा में बैठा था, दुर्भाग्य से इस बार वो भी हार गए। परंतु राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और समाज की जागरूकता का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि हमारे राम गोपाल जी के रूप में सरकार में हमारी भागीदारी एक मंत्री के रूप में है, इस बात की हमें बहुत बहुत खुशी है और इस बात के लिए मैं प्रथमतः मंत्री बनने के बाद, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद प्रथमतः नागौर पधारने पर इनका पुनः से स्वागत आप सब की तालियों से करवाना चाहूँगा कि हमारा प्रतिनिधित्व राजस्थान सरकार में भी है। राजस्थान के संगठन में हमारे राजेंद्र जी वहां विराजित हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी इन लोगों के सहयोग से आप कुछ काम करना सीखें। समाज निसंदेह रूप से संगठित है, कोई कहेगा हमारा समाज संगठित नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को, सिरे से खारिज करता हूं, क्यों? मैंने चुनाव लड़ा और मैंने जब चुनाव लड़ा समाज का प्रत्येक व्यक्ति फील्ड में खड़ा था,
कोई घर में नहीं था, जो दूर दराज बैठा था वो व्यक्ति भी यहाँ आके फील्ड में खड़ा था, उससे जितना सहयोग बन पड़ा उसने किया। ये तो जागृति है, तो समाज संगठित है और इस संगठित रहते हुए भी हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है और आग्रह। अभी इनसे ये एनरोलमेंट वालों से पूछा था, लगभग 262 लोगों का एनरोलमेंट अभी तक हो चुका है और सतत प्रक्रिया जारी है। तो मुझे खुशी है कि आज लगभग 300 लोग सम्मानित होंगे और मंत्री जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जाएगी। पहले वर्ष में हमने 100 लोगों को सम्मानित किया था और ये संख्या बढ़ते बढ़ते आज 300 के पार चली गई है और अगले वर्ष ये 400 के आसपास रहेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सबने सबका मेरा भी मान सम्मान किया, आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे, आपको सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और विश्वकर्मा विकास समिति के लोगों का बहुत बहुत आभार साधुवाद कि इन्होंने इस कार्यक्रम को सतत चालू रखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा। धन्यवाद श्री रामचंद्र जी होता। विश्व विकास समिति की संस्थापना से लेकर वर्तमान समय तक आपका मार्गदर्शन और आपका अमूल्य समय हमको मिलता आया है और निरंतर आपके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं हम जिनका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री रामगोपाल जी सुथार डूंगरगढ़, जैसा कि माननीय उत्ता जी ने बताया था कि आपको आज राजस्थान की सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त है। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का जो सरकार ने गठन किया था, आज आप उसके प्रथम चेयरमैन, प्रथम अध्यक्ष के रूप में हैं और हम सभी समाज बंधुओं के निवेदन पर आप अपने अति व्यस्त समय में से आज हम नागौर वासियों के लिए समय निकाला, इसके सर्वप्रथम मैं तो आपका हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आदरणीय श्री रामगोपाल जी से निवेदन करता हूं, क्योंकि आप सबको विदित है कि खींवसर के विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और आपको आगे वहाँ प्रवास करना है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे निवेदन करूँगा आप अपने शब्द। एक पहली तो जोरदार जयकार बोला भगवान विश्वकर्मा ने, बोलो विश्वकर्मा भगवान की, छोड़ो और जोर लगाओ, नागौर में संकलन खा पड़ जाएगा, जांगीर सुथार समाज एकत्रित है और जोरदार एक कार्यक्रम खंड ला गए, बोलो विश्वकर्मा भगवान की। आज के इस शानदार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाज के गौरव संत श्री पद्माराम जी कुलरिया के ज्येष्ठ पुत्र माननीय श्री कान्हाराम जी, और मैं कहूँ अपने समाज के आइकॉन और जो सतत अपने आय के साथ में जिस तरह से खुले हृदय से दान करते हैं, ऐसे दानी महापुरुष हमारे बीच में शंकर जी कुलरिया जी हमारे बीच में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय रामचंद्र जी उपता जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित मंच उपस्थित सभी मोतियों से महंगे मेरे विश्वकर्मावंशी बंधुओं, मातृशक्ति मीडिया के बंधुओं, नागौर आकर के और छात्रावास देख कर के मन बहुत प्रफुल्लित हुआ, क्योंकि अब की बार काफ़ी जगह जाने का अवसर मिला और अनेक छात्रावासों में भी जाने का अवसर मिला। पड़ोदी में भी अपने समाज का बहुत शानदार 100 कमरों का एक जोरदार छात्रावास है, पाली में भी अभी निर्माण काम चल रहा है, लगभग 15 करोड़ की लागत से वहाँ पर एक छात्रावास बन रहा है, बाड़मेर में भी अपना छात्रावास चल रहा है, मैं कई छात्रावासों में जाने का अवसर मिला, हनुमानगढ़ में भी अभी शिलान्यास होने जा रहा है, और जब मैं झुंझुनू पहुंचा अभी हमारे बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय श्रवण जी बैठे हैं, इन्होंने भी झुंझुनू के अंदर ही बहुत बड़ी ज़मीन लेकर के और सिटी के अंदर ही एक शानदार छात्रावास का निर्माण, 3 तला छात्रावास का निर्माण ये झुंझुनू वाले भी करवा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में अपने समाज में बहुत जागरूकता भी आई है और उन्नति प्रोग्रेस भी किया है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखूं तो अपना समाज बहुत आगे बढ़ रहा है और तेज़ गति से अन्य समाजों की अपेक्षा बहुत तेज़ गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है
कि कुलरिया परिवार जैसे लोग हमारे समाज में आज पूरे देश में नहीं विदेशों में भी अपना मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत जिंदा रहे, इसके लिए जो कुलरिया परिवार जो मेहनत कर रहे हैं, जो आगे आकर के समाज में, अपने समाज में नहीं अन्य समाजों में जो सेवा का कार्य कर रहे हैं, पद्म स्मारक के रूप में जैसी विरासत हम सब लोगों को कुलरिया परिवार ने दी है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं जब ऋषिकेश था तो मैं सुन रहा था संत जी के मुख से, वहाँ पर संत पद्माराम जी की बहुत प्रशंसा हो रही थी, तो मन इतना और छाती इतनी छोड़ी हो गई कि वास्तव में हम उस समाज से हैं जिस समाज की बात या गंगा तट पर ऋषिकेश में चल रही है। तो बंधुओं, हम सब लोग संगठित रहें, मेरा एक ही निवेदन है कि अपने समाज में एक कमी है, वो कमी ये है कि मैं कभी पार्टी में भी उतार जी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरे समाज में न तो जातिवाद है और न परिवारवाद है। हम तो जातिवाद आपस में ही लड़ते हैं और फिर टांग खिंचाई करते हैं तो परिवार में भी करते हैं, इसलिए परिवार में आज कुलरिया परिवार को अपन देखते हैं और इनके जो बंधुत्व को देखते हैं, इनके जो भाईचारे को देखते हैं, तो ये शिक्षा लेने की बात है कि एकजुट बिल्कुल पूरे के पूरे एकजुट है, तभी ये शिक्षा जाती है कि अपने समाज में अपने को एकजुट रहना है, अपने समाज में अपने परिवार में छोटी मोटी बातों को छोड़ करके जब हम एक रहेंगे तब नेक रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए बंधुओं, मेरा तो यही निवेदन है, चाहे कोई भी संस्था हो, काम करने वाले लोग बड़ी मेहनत करके काम करते हैं और परिश्रम करके वो इस तरह समाज का एक आयाम खड़ा करते हैं, और हम लोग कहीं बैठ करके छिट्टा कसी कर लेते हैं, कहीं टांग खिंचाई करते हैं। टांग खिंचाई मत करो, हाथ खिंचाई करो, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाओ, सबको ऊंचे ले जाओ, यही मेरी प्रार्थना और निवेदन यहाँ करने आए। बंधुओं, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड में मेरी प्रथम नियुक्ति हुई है, निश्चित रूप से समाज को भी बड़ी अपेक्षाएं हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक सामान्य से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को राज्य मंत्री का दर्जा देकर और कौशल बोर्ड का अध्यक्ष बना करके आपने नवाजा है, इसे उनका भी बहुत आभार। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज जिसके पीछे होता है, बिरादरी जिसके पीछे होती है, उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। ये साफ पास हो तो हम बहुत से कार्यक्रम में जाते हैं, पार्टी के कार्यक्रम जाते हैं, अन्य अन्य उद्घाटनों में जाते हैं, बहुत होता है, पर आप लोग या समाज के बीच में बैठ करके जब ये साफा और ये दुपट्टा पहनाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई कम बात नहीं होती। इसलिए समाज गंगा है और मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि समाज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, समाज में राजनीति को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए, लेकिन राजनीति में समाज की भागीदारी जरूर होनी चाहिए। जब तक राजनीति में समाज की भागीदारी नहीं होगी तब तक अपना समाज मजबूत नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं राजस्थान सरकार में अभी प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, आप यहां से नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, जितने भी चुनाव है उनमें आगे आकर के प्रत्याशी के रूप में आप आए, टिकट दिलाने का काम मैं करूँगा। हमारा स्थान जयपुर में बैठा हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ। बाकी आपके कोई छोटे मोटे काम हो, कोई बात हो, मेरे नंबर प्राय सभी के पास है, तो मेरे लायक कोई भी काम हो आप आधी रात को याद करना, मैं आपके लिए तैयार मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद श्री राम गोपाल जी। पूर्व में भी जब आप भारतीय जनता पार्टी के बीकानेर देहात जिला के अध्यक्ष बने थे तब भी हमने आपसे निवेदन किया था और आपने हमारे लघु निवेदन पर हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हम सबके लिए समय निकाला और आज फिर से आप हम सबके बीच में पधारे, इसलिए हम आपका हार्दिक साधुवाद प्रकट करते हैं। अब मैं डॉक्टर आर के सुथा, हमारे जेएलएन हॉस्पिटल नागौर में शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनके स्वागत के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री मदन गोपाल जी बरडवा और श्री हुलास जी लेखरा। कृपया मंच पर पधारे हैं और हमारे डॉक्टर साहब का आप सम्मान करें। काफ़ी लंबे वर्षों से आप जेएलएन अस्पताल में
प्रमुख विशेषज्ञ एनसीसी एवं बाल रोग के, और हमारे समाज के कार्यक्रमों में भी आप जब भी हम निवेदन करते हैं तब आप अपना बहुमूल्य समय देकर हम सब के बीच में पधारते हैं, इसलिए मैं डॉक्टर साहब का भी हार्दिक साधुवाद प्रकट करता हूँ। मित्रों, जैसा कि अभी बताया गया था, इस प्रथम दल का जो नव निर्माण हुआ है वो हमारे समाज के वरिष्ठ हम सब के पूज्य गोलोक सेवी संत श्री पद्मराम जी गुलरिया के पुत्रों के द्वारा उनकी स्मृति में नागौर समाज को आपकी तरफ से एक भेंट दिया गया है। सर, मित्रों, समाज में ऐसे अनेकों लोग होंगे जो पूंजीपति हैं, जिनके पास धन है, जिनके पास संपदा है, संपत्ति है, सब कुछ है, सादगी और विनम्रता, और भगवान ने इनको सब कुछ दिया, उसके साथ साथ में क्या दिया है, दया, सेवा और करुणा का भाव, परोपकार का भाव, समाज के छोटे से लेके बड़े तक प्रत्येक व्यक्ति का आप जाने पर मान सम्मान करते हैं और विनम्रता से उनका स्वागत करते हैं, और समाज के किसी भी वर्ग का, हमारा समाज भी नहीं, अन्य किसी भी वर्ग का एक व्यक्ति यदि इनके घर पहुंच गया तो इनका कभी हाथ खाली खाली हाथ इनके घर से नहीं निकला। ऐसी बहुत बड़ी शख्सियत, ऐसी बहुत बड़ी प्रतिभा संत श्री पद्मराम जी गुलरिया, ईश्वर का सहयोग था, आज वो हम सब के बीच में नहीं है, लेकिन इस छात्रावास का जब उद्घाटन हुआ था तो हमें उनका मार्गदर्शन मिला था, उनके पावन पैर इस प्रांगण में जरूर पड़े थे। आज उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र श्री कानाराम जी और उनके छोटे पुत्र श्री शंकर जी गुलरिया हम सब के बीच में उपस्थित है। मैं श्री शंकर जी गुलरिया से निवेदन करूंगा मंच पर आए और समाज बंधुओं को संबोधित करें। विश्वकर्मा भगवान की आज इस विश्वकर्मा प्रांगण में फिर से हमारे परिवार को निमंत्रण देने के लिए पूरी विश्वभर का विकास समिति का तहे दिल से आभार। मंच पर विराजमान हमारा समाज के कह सकते हैं, हमारे प्रथम नागरिक के रूप में भी कह सकते हैं, कौशल अध्यक्ष अपना विकास समिति के अध्यक्ष राम गोपाल जी साहब, नागौर के पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र जी उत्ता साहब, मेरे साथ बैठे क्यूसे से अब राजेंद्र जी, और समाज के सभी वर्ग में काम करने वाले और सभी समाज से भी विराजमान स्टेज पर सभी का आज हार्दिक अभिनंदन, और सामने बैठे हमारे वरिष्ठ, हमारे भाई और मातृशक्ति बच्चे सभी का मेरे पूरे परिवार की तरफ से, क्योंकि दूसरी बार हमारे परिवार को यहाँ स्टेज पर बुलाकर सम्मानित करने के लिए आप सब ने हमें याद किया। सुबह बड़े भाई साहब खाना ने कहा कि जो समाज का प्रोग्राम होता है चलना चाहिए, और लास्ट वीक दिनेश जी सारंग साहब से कहा हमारे बीच में नहीं है, शायद उसको कोई काम कारणवश हो, अभी मेरी बात भी बोलो, मैं जयपुर से दिल्ली के लिए निकल गया हूँ, उत्ता साहब का फोन आया था। आप बताए, हमारा कोई ऐसा समय नहीं है जो समाज के लिए नहीं है, हमारा समाज बहुत अब समय इतना है कि हम समाज के लिए जितना दे सके उतना कम है, तो जब भी कोई भी समाज के छोटे भाई बड़े भाई याद करें, हमेशा हम समाज के लिए 24 घंटे हाजिर हैं। जैसे रामचंद्र जी ने और राम गोपाल जी ने बताया था, बिजनेस के रूप में बताएं तो हम कुछ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन राजनीति के मामले में हमारा थोड़ा हाथ तंग है, और ये आज राजस्थान के अंदर आपको मिली है, हम चाहेंगे इस सीट को आप लीड करो, और हमारे जितने सेलिब्रिटीज बैठी भी है हमारे साथ, हम नहीं पहचान पाए कौन सेलिब्रिटीज आगे बढ़ सकती है, उदाहरण के तौर पर हमारे राजस्थान के सीएम साहब भी बैठे हुए, तो कोई भी आगे आ सकता है, आगे आना चाहिए। राम गोपाल जी ने बताया कि हर एक छोटी सी चीज़ से लेके वार्ड मेंबर से लेके और जहाँ पर आप विराजमान तहाँ तक, जब तक जिस सीट जहाँ जब लगे हैं हमें भाग लेना चाहिए राजनीति में, क्योंकि बिना राजनीति हम कितने भी कर लो लेकिन राजनीतिक में भागीदारी नहीं होने के से हमेशा हमेशा पिछड़े रहते हैं, इसके लिए हमें एकता का संदेश देना चाहिए। आज राम गोपाल जी इस सीट पर है जहाँ बैठे हैं, हमें बहुत कुछ दे सकते हैं लेकिन हमारी एकता का परिचय हमें उनको देना पड़ेगा, और बिना एकता वो स्थायी अकेले पड़ जाएंगे करने के लिए, इसके लिए राजनीति में बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। सुबह से मैंने सुना 9 बजे आपकी बाइक की रैली हुई थी, जिसमें शायद हम भाग नहीं ले पाए, तो जिन्होंने भाइयों ने साथ उसमें साथ दिया, पूरे नागौर के अंदर
जो उन्होंने परिचय दिया कि विश्वकर्मा विकास समिति का प्रोग्राम हो रहा है, जो विश्वकर्मा एक हमारे समाज को, जहांगीर छुटा समाज को रिप्रेजेंट करता है और जो प्रेरणा बनी नागौर के लिए, उसके लिए पूरे भाई के भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई और उनका आभार करता हूँ। शायद वो कुछ मैं देखने को मिल रहा है, काम बैठे हैं, कुछ नहीं है। और फिर से मैं पिलाई बड़े भाई साहब की आज्ञा लेते हुए मैं कहूँगा कि ऐसा ये छोटा रोमे भी दिनेश जी ने और जवाहरलाल जी ने लास्ट मीटिंग में जब मैं मिला था बोला यहाँ पे भी कुछ हमें संजीव के कहे के हिसाब से कुछ करना चाहिए, हमें भी थोड़ा सेवा का मौका मिला। हमारा परिवार समाज के लिए हर क्षेत्र के अंदर हम तैयार रहते हैं, जो भी हमारे लिए संभव हो पड़ता है हम कोशिश करते हैं। आप जितने समाज भाई घर के बिना बैठी हुई है, हर कोई कर सकता है, करना चाहिए, जितना जिसे संभव हो सकता है समाज के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, तभी जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी जाके हमारा भारत आगे बढ़ेगा, तभी हमारा समाज का नाम होगा। अकेले राजनीतिक वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेले बिजनेसमैन भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेले किसान भी नहीं कर पाएंगे, सभी को साथ मिलकर और हमारे समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा समाज कुछ करने लायक बनेगा, आगे बढ़ेगा। फिर से समाज का अभाव है। पूरी टीम, विश्वकर्मा समिति टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ आज के इस भव्य प्रोग्राम के लिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सभी ने हमें बुलाकर हमारा मान सम्मान दिया। और हम जब कुछ थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन आप बोल के इतना हमें वापस फिर एनर्जाइज कर देते हो कि हम बहुत कुछ करें, शायद हम नहीं करें लेकिन आप ये ऐसे बड़े प्रोग्राम में ला के और हमें मान सम्मान देते हो तो हमको लगना चाहिए और करना चाहिए, तो ये एक हमारा ऊर्जा का काम करता है। और आप लोग फिर से आप सभी समिति मेंबर को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा। जिन्हें प्रतिभा होने हैं 95 यानी 95% से ऊपर अंक प्राप्त किए थे, उनके सम्मान के लिए मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं श्री टोल जो साई सौभाग्य है, इसे बच्चे रेडी रहे। इनमें सबसे पहले नाम है पलक जांगीर, अशोक कुमार जांगीर पादड़िया, पादड़ी जोधा से, जो ये बच्ची कर्नाटका स्टेट के अंदर सेवंथ रैंक रही है और इन्होंने परसेंटेज स्कोरिंग किया है वो 98.60। तो आप मंच पे बता रहे हैं। और हमारे मंच पे जो अतिथि श्रीमान रामगोपाल जी, शंकर जी, कांत जी कुलदिया और राजवीर जी विराजमान है, इस बच्ची को प्रशस्ति पत्र एवं टैंड समाज की ओर से ये जो सिल्वर मेडल है ये प्रदान करा हुआ। इसी क्रम में बच्चे आगे रेडी रहे, नेमी चंद, महावीर प्रसाद बुडल सेवड़ी, इन्होंने 96.20% एक्वायर किए हैं। आप भी मंच में बता रहे और अपना पारितोषिक ग्रहण करें, स्वीकार करें। सर नेमी चंद, इनके नेमी चंद जी यदि नेमी, इसके बाद में आर्यन जांगीर, डिगी प्रसाद जी जांगीर बामणिया देवड़ी खुद परबसर से है, आपने 12th साइंस के अंदर 95% स्कोर किया है, आप पधारे और अपना पारितोषिक ग्रहण करें। इनके बाद वंदना जांगीर, मनोज कुमार जांगीर आसलिया मेहता सिटी 27.80 अप्रोक्स 98%। इधर सामने पूरा घूम जाओ, इधर देखिए, शाबाश अजय। इसी घड़ी में आगे आए कमलेश पुत्र श्री अडमान राम जी खाती गोत्र भदवानिया निवासी छिल्ला, कमलेश इन्होंने बच्चों के लिए शानदार तालियां बजाएं आप, इन्होंने समाज का नाम रोशन किया है। बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे जिले के अंदर हर बार टॉप करने वाले बच्चे जांगीर आ रहे हैं। कम
यमन जांगीर, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जांगीर गोत्र नागल निवासी गोडा जुदा 97.50% अंक प्राप्त किए। यमन जांगीर यही बच्चे हमारे भावी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और समाज के निर्माता हैं। अगले विद्यार्थी हैं वेद प्रकाश, पुत्र श्री गौरी शंकर जी गोत्र जायलवाल निवासी कटौती। वेद प्रकाश, वेद प्रकाश के कोई परिजन? तनु शर्मा, पुत्र श्री सत्यनारायण जी शर्मा गोत्र भुदड़ निवासी पर्वतसर। भैया इधर सामने। तनु शर्मा, पुत्री श्री सत्यनारायण जी शर्मा 95.83 95.83% अंक प्राप्त किए। सभी 95 से जितने भी अधिक। अगले विद्यार्थी हैं रवि जांगीर, पुत्र श्री मनोहर जांगीर गोत्र आसलिया निवासी बुटाटी 95.83% मंच पर आए रवि जांगीर। शाबाश रवि, अपनी मेहनत को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। श्री मुकेश जी जांगीर गोत्र कुसुमीवाल निवासी मोंडवा। हमारे बीच में हमारे नागौर के जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास जी पधार चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी टूर्नामेंट चल रहे हैं और अपने व्यस्तम शेड्यूल में से समाज के लिए टाइम निकाला, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार। हेमलता 95.83% अंक, शाबाश हेमलता। अगले विद्यार्थी हैं नवीन जांगीर, पुत्र श्री नटवरलाल जी जांगीर गोत्र आस्तलिया निवासी ललाना पर्वतसर। आपने कक्षा 10 में 95.50% अंक प्राप्त किए हैं नवीन जांगीर। ये कार्यक्रम जारी रहेगा, जो अतिथिगण है श्रीमान से। आज जो 17वां प्रतिमा सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, मैं अपने दिल की खुशी व्यक्त नहीं कर पा, मुझे इतनी खुशी। लेकिन इसके साथ ही हमने काम धंधे में बहुत तरक्की की, पैसा कमाने में हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन इन सब की तरक्की के साथ अगर राजनीतिक तरक्की हो तो समाज को फायदा होता है। आज श्री विश्वकर्मा कल्याण जो परिषद है उसके अध्यक्ष भाई राम गोपाल जी, इनको राज्य मंत्री का दर्जा है, हमें इस बात का गर्व है। लेकिन इस गर्व के साथ मैं राम गोपाल जी से एक निवेदन करने ही आया हूं कि हमारा समाज चाहे जोधपुर हो चाहे बीकानेर हो जयपुर हो, हर जगह हम पैसे के रूप में सक्षम हैं, लेकिन विकास के नाम पर सक्षम नहीं है। आज आपको विश्वकर्मा भगवान ने एक अवसर दिया है, आप इस जांगीर समाज का और विश्वकर्मा भगवान का धन्यवाद देने के लिए इस समाज की तरक्की करा, और इस तरक्की के तौर पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जब तक आप
इस परिषद के अध्यक्ष हैं, कौशल विकास का एक हब बनाएं, हर संभाग में काष्ठ कला है, लोह कला, आपके इंटीरियर होते डेकोरेशन कंस्ट्रक्शन, इन चीजों की आप स्थापना करें। आपको पता है चाहे हमारा 500 करोड़ रुपए का भी अगर कोई परियोजना बनती है तो हमारे समाज के लोगों में इतनी क्षमता है कि आपको 500 करोड़ 1000 करोड़ भी मिल सकते। कल तक जिस समय हमारा ये विकास समिति बनी थी उस समय हमने भवन शुरू किया, हमारे पास 37,000, हमें यहाँ नागौर में बड़ा दुख होता था, नाई भट्टी दूसरे समाज सबके समाज के भवन थे, हमारा समाज का कोई भवन नहीं। ये मुझे बहुत बुरा भी लगा, कोशिश की विश्वकर्मा विकास समिति बनाए, हमारे संसार की जमीन बहुत बड़ी थी, हम पैसा लेके फिर बना सके ऐसा हमारी क्षमता उस समय नहीं थी, हमने आधा करके उसको अपना भवन का रूप दिया। तो आप अगर विश्वकर्मा समाज का, विश्वकर्मा भगवान का पूर्ण आशीर्वाद लेना चाहे तो हर संभाग में एक ऐसा कौशल विकास संस्थान बनाए जिसमें राष्ट्र कला, लोककला, स्वर्ण कला, आपके कंस्ट्रक्शन का निर्माण कार्य, इंटीरियर डेकोरेशन, इस तरह की कोई आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज स्तर के पढ़ाई हमें कराई जाए। अब चूंकि हमारा जो काम है, हमारा जो हाथ का काम है वो विश्वकर्मा समाज का इन्हीं से ही है, और ये जो मौका आपको मिला है उसको आप जल्दी से जल्दी इस मौके का फायदा लेके विश्वकर्मा समाज को और आगे ले जाए, तभी भगवान विश्वकर्मा आपको आशीष देंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब, आपने बहुत ही अपना इमोशनल वक्तव्य दिया। हमारे बीच हमारे भामाशाह, और मैं तो हमेशा जब भी किसी ग्रुप में या न्यूज़पेपर में देखता हूँ कि आज कुलरिया परिवार ने कौन सा डोनेशन किया है, कहीं ना कहीं न्यूज़ में कोई लोग कुछ कुछ सर्च कर रहे होते हैं, पर मैं हमेशा डोनेशन वाली बात सर्च कर रहा होता हूँ। और इसी क्रम में हमारे बीच शंकर जी कुलरिया पधारे हैं, नहीं मैंने जो मेरे विचार थे मैंने रख दिए, लेकिन जब 3 साल पहले बाइक रैली हुई थी तो मैं यहाँ से क्रॉस किया था, तो दिनेश जी काफ़ी लोगों से बात कर रहे थे कि रेलवे पटरी के ऊपर से गुजरने के लिए हमको काफ़ी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, तो आज पूरा समाज यहाँ बैठा हुआ है, हमारे राज्य सरकार के मंत्री सामने बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा सभी खड़े होकर और मंत्री से मंत्री महोदय को बोले कि हमें ये अंडरग्राउंड का यदि पुलिया बना के यदि हमें स्कूल को आने जाने की सुविधा यदि ठीक हो जाए तो ये शायद यहाँ पर पढ़ने और बच्चों को काफ़ी लाभ मिल सकता है, तो खड़े होकर और मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप जाके और राजस्थान सरकार से ये पुलिया पास कराए ताकि ये हमारा भवन जो बना है आने जाने की सुविधा हो जाए उनके लिए, मैं आपसे आग्रह करूँगा। चीज़ के अभी शंकर जी ने इस पुलिया की समस्या बताई, हम जब आए थे तभी ये पुलिया बंद था, बाहर खड़े थे, निश्चित रूप से यहाँ छात्रावास भी है और भी आने जाने के लिए काफ़ी बीमार लोग होते हैं तो पुलिया बंद हो जाता है, दिक्कत होती है हॉस्पिटल जाने के लिए, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि केंद्र सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है,
और रेवन्यू मंत्री भी अपने साथ में, अश्विनी वैष्णव जी अपने साथ में, चाहे रेलवे वालों से एनओसी लेकर के और राज्य सरकार भी इस प्रस्ताव को भेजकर इस पुलियों को बनाने का काम हम शीघ्र से शीघ्र करेंगे। दूसरी बात वो बहुत ही बता रहे थे, हमने आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने ये आईटी के इंस्टीट्यूट इस कौशल विकास में जोड़ते हुए, हमने मैं परसों ही गया था सुमित जी शर्मा आपने इस कौशल विकास के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और अपने समाज से, तो मैंने उनसे भी यही निवेदन किया था कि अपने हर संभाग में इस तरह के इंस्टीट्यूट खड़े हों। और अभी जो सीएम साहब आए थे उस दिन में सी जी गुदरिया ने भी कहा था कि बीकानेर में एक ऐसा बड़ा हब अपने इस कौशल विकास का खड़ा करें ताकि अपने समाज के लोग प्रैक्टिकल सीख करके, जैसे ये अभी विश्वकर्मा कौशल विकास के काफ़ी कैंप लग रहे हैं, उनमें थ्योरिकल बात को समझाई जा रही है, 4,000 रुपये कैसे मिलेंगे, 15,000 टूल्स कैसे मिलेंगे, लोन्स कैसे मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जो हुनर, अपना जो समाज का हुनर है वो नहीं सिखाया जा रहा है। इस दिशा में हमने खूब डिस्कस किए हैं और मैं अभी बहुत बार ग्रहणी किया है, 3-4 दिन में मैं लगातार बैठ के इस कौशल विकास में, और निश्चित रूप से अपने समाज के लोगों को लाभ कैसे मिले इस कौशल विकास में वो मैं पूरा का पूरा राजस्थान सरकार से प्रयास करूँगा। जय हिंद। धन्यवाद साहब, आपने इस छात्रावास के लिए जो छोटा सा योगदान है और इसके लिए चाहे अंडर पास हो चाहे ओवर पास हो, इसके लिए साहब ने सहमति दिलाई कि पूरे जोर मैं सरकार में मैं प्रयास करूंगा और आपके लिए अंडर पास या ओवर पास बनवाऊंगा। धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे टीचरों के टीचर डीओ साहब विराजमान है, रामनिवास जी जांगीर जिला शिक्षा अधिकारी, जो अपने व्यस्तम शेड्यूल में से विशेष आग्रह पे हमारे बीच पधारे हैं, तो आपका स्वागत और अभिनंदन है और इनके स्वागत के लिए मैं श्रीमान डीएल खाती एवं अशोक जी कांग्रेसिया से निवेदन करूंगा कि आप साहब को साफा मोमेंटो और दुपट्टा पहना कर स्वागत करें। डीएल खाती एवं अशोक जी कांग्रेसिया पधारे। जो डीएल जांगीर साहब है ये विंग कमांडर रह रहे हैं और हम सब का सौभाग्य कि हमारे साथ उपस्थित होकर के हमारे शिक्षा सर अधिकारी जी को समान स्वरूप माला सामा पहना रहे। हमारे बीच स्वागत की अगली कड़ी में अरुण जी कोटपुतली महासभा से हमारे बीच उपस्थित है, पधारे हैं, आपका स्वागत है और इनके स्वागत के लिए महावीर जी इंजीनियर और गणपत जी बड़ुआ आप तुरंत परिवार से पधारे और श्रीमान का स्वागत करो। आग्रह रहेगा कि आप पधारे और मोटिवेशन स्वरूप हमारे जो प्रतिभागी बच्चे और बच्चे विराजमान है इनको उद्बोधन दें। श्रीमान प्रशांत जी राजोतिया। जवान लोग हैं और तो मेरे से कम उम्र के हैं जिनके लिए ये आयोजन किया गया, इन्होंने बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया मेरा। मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करूँगा क्योंकि मेरी ज़्यादातर परवरिश शहर और गाँव दोनों में हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी छोटे लोग हैं जिन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, अगर आपके दादाजी दादी कुछ पूछें तो उन्हें बाद में बता देना मैं क्या बोल के गया। तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे इस अचीवमेंट का, मेरी परवरिश को, मेरे पापा विंग कमांडर डीएल अति रिटायर्ड, और मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टेज से एक छोटी सी विनती है, इसको सजेशन ले लीजिए कि कभी भी कोई सेना से जुड़ा हुआ या कोई सेना का बंदा आता है तो उसका जो नाम है वो उसकी रैंक और उसका अगर कुछ अचीवमेंट है तो उसके साथ लिया जाता है। इसे गलत तरीके से मत लीजिएगा बट ये राष्ट्रपति की बेइज्जती हो जाती है क्योंकि अगर आप किसी को भी बुला रहे हैं तो उसका नाम थोड़ा उस तरह से, बस ये एक फीडबैक है। दूसरा मेरा आग्रह है कि कोई मेरा रिकॉर्डिंग ना करे वरना आप उस चीज़ का आनंद नहीं ले पाएंगे जो मैं बोलना चाहता हूँ और फिर आप वीडियो स्टेटस पर लगा के 2 दिन बाद भूल जाएंगे। अगर आपको इस 2 मिनट की बात बोलूँगा मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मोटा मोटा ये है कि मेरे को अच्छी परवरिश मिली, बहुत बहुत धन्यवाद है मम्मी पापा का, और क्योंकि हम
फौजी बैकग्राउंड से थे तो शुरू से फौज देखी थी मैंने, तो वही एक कारण था कि जाना है तो फौज में ही जाना है, उसके अलावा कुछ था नहीं। माता जी यहाँ पे आ नहीं पाई, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। दूसरा सपना उन्हीं का था कि एक बार वर्दी में देखते हैं, तो यही कुछ कारण थे। उससे पहले मैं कुछ और कर रहा था, मैं कॉरपोरेट में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था थोड़ा ही साल से, और उससे पहले इंजीनियरिंग कर रहा था और बाकी आप सब जो कर रहे हो। और उससे पहले मेरी भी 10th 12th में आपकी तरह 98-99 आए थे, पर जिनके भी 98-99 आए हैं आज आप खुशी मना लो, बढ़िया खाना खा लो, अच्छी नींद ले लो, बट इस चीज़ को आज ही भूल जाना क्योंकि बाद में नहीं आते। एजुकेशन इंडस्ट्री का या आप अपने दोस्तों का या बड़ों को पूछ लेना कि टाइम के साथ आपके मार्क्स कम होने वाले हैं, आपके 12वीं में और कम हो जाएंगे, आप ग्रेजुएशन होकर पास हो जाओगे उसमें आपके नंबर और कम हो जाएंगे, और जब आप कॉम्पिटिशन फाइट करोगे तो वहाँ पर घूम फिर के अपने समाज का गलती से कोई एक मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होता है। क्योंकि आप देख लो आज के समारोह में 10वीं 11वीं के अलावा हम लोग किसी ग्रेजुएशन गोल्ड मेडलिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम किसी स्पोर्ट्स वाले को सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं एक तुक्का लग गया और आ गया तो अच्छा लग रहा है, बट आप नोटिस करेंगे कि एक टाइम के बाद या तो परवरिश में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं या माहौल ऐसा हो जाता है कि 10वीं 11वीं में बहुत अच्छा करते हैं सब, बट जब मेन चीज़ आती है करने की, जो आपकी ग्रेजुएशन है या जिससे आप कुछ आगे करेंगे, वो हम नहीं कर रहे। दूसरी दिक्कत, सब लोग चाहते हैं समाज में डॉक्टर इंजीनियर और ऐसे लोग बहुत बने, बट थोड़ा सा आप सबको मार्केट देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत बदल गई है। आप सब अगर फ़ोन चला रहे हैं तो हमारे समाज के भी जो काम है वो भी लोग बहुत क्रिएटिवली करते हैं। हम सब दिन भर में फ़ोन पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, पर कोई भी उस तरह का फर्नीचर या उस तरह का मॉडल नहीं बना पा रहा है जो आप टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, रील्स पे या अलग अलग जगह देखोगे। तो अगर विश्वकर्मा भगवान का आशीर्वाद है तो उस आशीर्वाद को सही दिशा में यूज़ करना चाहिए। मतलब मेरा मोटिवेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई कला है या कोई चीज़ है तो उसको और अच्छा करना चाहिए और उस पर मेहनत करनी चाहिए। जैसे एक और उदाहरण देना चाहूँगा मैं परवरिश का, कि सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि अपने बच्चे को एक बार जनरल बोगी में सफ़र करने ले जाएं, और कभी भी आप घूमने फिरने ले जाते हैं तो मंदिर के दर्शन थोड़े कम कराएं क्योंकि बच्चों को मज़ा नहीं आता मंदिर के दर्शनों में। आप उन्हें देश में कहीं भी घूमने ले जाएं, एक बार उन्हें जनरल बोगी का सफ़र कराएं और अगली छुट्टियों में उनको बढ़िया फर्स्ट क्लास का सफ़र करवाएं, और उन्हें बस मजाक के लिए बोल दीजिए कि इस बार पापा की कमाई अच्छी नहीं हुई और इस बार अच्छी हुई, तो आपका बच्चा खुद मेहनत करेगा क्योंकि उसने दोनों ज़िंदगी देखी है, एक जिसमें कुछ भी नहीं था, थोड़ी गरीबी थी, थोड़ी तंगालत थी, बट वहीं जब उसे पता चलेगा कि अगर कुछ अच्छा कर लिया तो एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएगा और जी पाएगा। और मतलब माता पिता के तौर पर सब यही चाहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी चाहिए, तो भाई ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस यही है। आप सब अच्छे ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा फंक्शन है, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ के। धन्यवाद। जय हिंद, जय विश्व। धन्यवाद। तो प्रशांत जी ने बहुत सारी बातें हम बताई और जिनको हम लोग यदि हमारे जीवन में यदि इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है, इनका मीनिंग यही है। इन्होंने बोला कि परवरिश, नो डाउट हम लोग हमारे काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चे क्या कर रहे होते हैं हमें पता भी नहीं होता, तो मेनली पेरेंट्स का भी रोल बनता है कि कहेंगे क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। कि हमारे भामाशाह, हमारे नेता सबने बताया कि हम लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, बट कहीं ना कहीं हेल्प नहीं करना ही सबसे बड़ी हेल्प होती है। कि आप कभी थर्ड टायर एसी में घूमते घूमते कभी जनरल बोगी की भी तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो कहीं कहीं आपको मोटिवेशन मिले कि हमें और कुछ करने की जरूरत है। धन्यवाद। और आपके बताए हुए इन चीज़ों पर हमारे जो प्रतिभागी है कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे। अब जो हमारे प्रतिभागी हैं जिन्होंने अचीवमेंट किया है इनको सम्मानित किया जाएगा, और इसी कड़ी में आगे हमारे साथी देवीलाल जी आपको संबोधित करेंगे। सम्मानित की अगली कड़ी में जो भी राजकीय सेवा में चयनित हुए हैं या जिन्होंने खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है मैं उनको बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले है तनुष जांगीड, पुत्र श्री श्याम सुंदर जी जांगीड, गोत्र निशान, निवासी प्रवसर। इनका नीट में सिलेक्शन हुआ है, 661वीं इनकी रैंक रही है। तनुष जांगीड, डॉक्टर तनुष जांगीड मैं कहना चाहूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अगर उनके कोई परिजन हो तो
तनुष जांगीड, निकिता जांगीड पुत्र श्री दिलीप कुमार जांगीड गोत्र कुलरिया निवासी नागौर जिला स्तरीय बैडमिंटन में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किए। निकिता जांगीड मैं प्रशांत जी और सरपंच साहब से निवेदन करूंगा आए और बच्चों को सम्मानित करें। इसी कड़ी में है आगे निधि जांगीड पुत्री श्री सियाराम जी जांगीड गोत्र पालड़िया निवासी नीमडी चांदावता, इन्होंने राज्य स्तरीय हॉकी में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। हॉकी है राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, बहुत ही गर्व की बात है। निधि, बिग हैंड फॉर निधि। अगले प्रतिभागी हैं हरिओम जांगीर पुत्र श्री श्याम सुंदर जी जांगीर गोत्र किंजा निवासी लाडनू, आपने जे ट्रिपल ई में आईआईटी जोधपुर में आपका चयन हुआ है। अगले प्रतिभागी हैं महेंद्र जांगीर पुत्र श्री, इसी कड़ी में आगे मैं बुलाना चाहूंगा पवन जांगीर पुत्र श्री राम भैया सामने। आगे बुलाना चाहूंगा अजय जांगीर पुत्र श्री, इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जांगीर पुत्र श्री रामेश्वर लाल जी जांगीर गोत्र पालड़िया निवासी पुटाटी, आपका राजकीय सेवा में चयन हुआ है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आपने बीटेक किया है मोटा से। सर सामने। सुखराम जी से आगे बुलाना चाहूंगा गोविंद जी पुत्र श्री मूलाराम जी जांगीर गोत्र धारणिया निवासी ढींगसरा, आपका स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ है स्कूल व्याख्याता के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं आप इंग्लिश के। टीना जांगीर पुत्र श्री मूलचंद जी जांगीर गोत्र धारणिया निवासी नागौर, आपका सीए में सिलेक्शन हुआ है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी बेटियां भी सीए जैसे प्रोफेशनल लाइन में जा रही है। मूलचंद जी को साधुवाद, इन्होंने अपनी पुत्री को इतनी अच्छी शिक्षा दी। पवन जांगीर पुत्र श्री मदन गोपाल जी गोत्र बरड़वा निवासी नागौर, आपका नीट में सिलेक्शन हुआ है एमबीबीएस जोधपुर से डॉक्टर पवन जांगीर। मदन गोपाल जी हाँ सामने देखिए भैया। धन्यवाद सरपंच साहब और लेफ्टिनेंट साहब अपना स्थान। मोनू की बहन है मोनू जांगीर, दोनों बहन है, दोनों ही खेल में बहुत ही अच्छा करते हैं। सर मोनू जांगीर पुत्र श्री हरेंद्र जी जांगीर कुसुमीवाल निवासी मुंडवा, आपने भी राज्य स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया है, अमेरिका की बहुत ही फेमस टेनिस। नंदनी सुतार पुत्र श्री देवेंद्र जी सुतार गोत्र बरड़वा निवासी नागौर, आपका नीट गोत्र किंजा निवासी खेतलाव, आपका कलर बैंक में सिलेक्शन हुआ है। पिंटू जांगीर पुत्र श्री रामनिवास जी जांगीर गोत्र नागल निवासी गोडा चुंडा, आपका टीचर शिक्षक के रूप में सिलेक्शन हुआ है, आपका राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में चयन हुआ है। आपका सिलेक्शन लैब अटेंडेंस के रूप में हुआ है सीएमआर पोस्ट मेरता रोड, आपका रेलवे टीटी के रूप में सिलेक्शन हुआ है। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा श्री अमरचंद जी जांगीर पुत्र श्री भवनलाल जी डॉक्टर मैत्री जांगीर, पूजा जांगीर पुत्र श्री कैलाश जी जांगीर गोत्र आदिवासी नागौर, आपका रेलवे पॉइंट्स मैन के पद पर चयन हुआ है। मैं चाहूंगा रामवीर जांगीर पुत्र श्री रामनिवास जी जांगीर गोत्र कुलरिया निवासी नागौर। सर सर सामने। भैया फिर भी रेंग रही है, बहुत ही गर्व की बात है। डॉक्टर निर्मल लेखरा
आदिवासी नागौर आपका अध्यापक पद पर चयन हुआ है, महावीरी कुलरिया गोत्र रोड़ीवाल निवासी जेतपुरा खुर्द आपका अध्यापक पद पर चयन हुआ है, डॉक्टर नितेश जांगीर पुत्र श्री संपतलाल जी गोत्र अटवासिया निवासी शिंदा, तुलसी राम जी जांगीर गोत्र दाई मां निवासी डेगना आपका सी एम ए में चयन हुआ है, बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है। हरीश आपका राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल में खेलकूद प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है, रवि जांग निवासी मांगलोद आप जीएसटी इंस्पेक्टर में आपका चयन, पूजा जांगीर पुत्र श्री बापूलाल जी जांगीर गोत्र झाला निवासी खजवाना आपका राज्य के सेवा में, योगेंद्र पुत्र श्री नारायण राम जी गोत्र भदवाणिया निवासी छिला आप पीठ प्राप्त किया है, शिव रतन जांगीर पुत्र श्री कैलाश जी जांगीर मुस्कान प्लीज कम ऑन द स्टेज, इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कृपया तालियां जरूर बजाएं आप, पोस्ट पे सिलेक्टेड होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट में सिलेक्टेड होते हैं। मुरली मनोहर सुथार पुत्र श्री रतनलाल जी निवासी नागौर आपने नेशनल लेवल पर पैरा गेम्स में टेबल राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया है, बहुत ही गर्व की बात है, एनएम में सिलेक्शन हुआ है, सी एच ओ आज के इस विश्वकर्मा पूजन दिवस पर प्रतिभा सम्मान समारोह और लोकार्पण पर विराजमान सभी हमारे समाज के विशिष्ट अतिथियों, मुख्य अतिथि जो अध्यक्षता करके अभी जा चुके अध्यक्ष राम गोपाल जी और मेरे समाज के सभी बंधु प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में ऐसा प्रतिभा सम्मान समारोह हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा देता है इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए। हमारे समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, केवल उनका निखारना बाकी है। हमारी प्रतिभाएं देखिए आप हर क्षेत्र के अंदर, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर नहीं बढ़ रही है। खेलकूद के अंदर अभी मैं देख रहा था बहुत सारी प्रतिभाएं खेलकूद के अंदर आ रही थी। मैं आज पूरा दिन आपको बताऊं खेलकूदों के अंदर आज कम से कम नागौर जिले के अंदर 20 के टूर्नामेंट का उद्घाटन हो रहा था, जहां पर मंत्री महोदय एमपी राजसमंद एमपी हमारे नागौर वह प्रोग्राम रूम में मैं शामिल था, वो दो तीन जगह अटेंड करके आया हूं और वहां पर देखा जोश बच्चों का और यहां पर देखा कि हमारी प्रतिभाएं भी यहां पर सम्मानित हो रही है। कितना भी समय लगे मैं क्यों भाई लास्ट के अंदर मैं जरूर 5-10 मिनट जरूर पहुंचूंगा, इतना समय लगा उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं अपने बच्चों को आप स्कूल पूरा भेजिए और साथ में उनका पूरा ध्यान रखिए। आज के समय के अंदर ये मोबाइल क्रांति है, उससे हमारे बच्चे बहुत पिछड़ रहे हैं। इस मोबाइल से आप अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें कि क्या बच्चा उससे सीख रहा है या क्या उल्टे रास्ते तो नहीं जा रहा है। सबसे बड़ा कारण पिछड़ने का आज अपना ये मोटरसाइकिल और मोबाइल है। हर काम होता है तो बच्चा मोटरसाइकिल वगैरह काम ही नहीं करता, घर पर कोई काम होता है अपन कहते हैं कि मैं बच्चा ये जाकर करना है, पैदल जाना ही नहीं चाहता और फिर अपन देखते हैं देखो कैसे कैसे ये घटनाएं हो जाती है। और मोबाइल के अंदर तो रात भर अपना समय यानी याद तक कि वो नेट रहती है, नेट के चक्कर में बैठे रहता है रात को 11-12 बजे के नेट खर्च कब हो, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। आप सभी ने मेरा यह सम्मान किया, आप अपने समाज के पूरे नागौर जिले के ही नहीं दूर दूर से पधारे उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और यहां की समिति को विशेष तौर से यहां समिति के अध्यक्ष जौहरीवाल जी को जिन्होंने मेरे को निवेदन पहले ही कर दिया था। मैं देखो आगे का मैं कह नहीं सकता, आगे से आगे प्रोग्राम इतने रहते हैं क्या शेड्यूल होता है हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन मैं अपने समाज का है उसमें जरूर आऊंगा। अगर समाज की आपकी जो यहाँ पर जितने बच्चे हैं उनको कोई आवश्यकता है, कोई मेरे से अगर कोई काम पड़ता है तो आप यहाँ नागौर ऑफिस की हवाई पट्टी में आइए, बेझिझक जो हमारे एजुकेशन संबंधित कार्य है वो अगर कोई कठिनाई हो उसमें कोई एडमिशन में या कोई और किसी तरीके तो आप मेरे से मिलिए। एक बार मैं पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत जय विश्वकर्मा महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डीओ साहब आपका। अब मैं आपके सामने एक अभी अभी एक घोषणा की गई है उसके बारे में बताना चाहूंगा, जितने भी जो भामाशाह हैं उनसे प्रेरित होकर हमारे बीच एक नए भामाशाह जो हैं
जिन्होंने इस छात्रावास के लिए कुछ खास कुछ स्पेशल करने की कोशिश के लिए कहा कि मैं 1,00,000 रुपए इस छात्रावास के लिए देना चाहता हूं। बहुत ही ज्यादा साधुवाद धन्यवाद और उन तीनों भाइयों को बियाराम जी, हेमराज जी और सरवण जी शिलक नाराधना की तरफ से, जिन्होंने इस छात्रावास के लिए 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। मैं अन्य भामा साहों से भी निवेदन करूंगा कि अपने अंदर जागृति लाएं और ये जो बच्चे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं इनके लिए आप कुछ न कुछ सहयोग करें। एक बार फिर नाम लेना चाहूंगा, भियाराम जी, हेमराज जी और सरवण जी शिलक निवासी नाराधना, बहुत बहुत साधुवाद आपका। मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे गोविंद जी बरडवा को, आप ही हमारे भामाशाह हैं। इन्होंने इन बच्चों के लिए जितने भी जो बैग फिट दिए गए बैग, ये इनकी तरफ से दिए गए हैं। मैं निवेदन करूंगा गोविंद जी बरडवा से आप मंच पे आए और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा ओम जी ढावा से और बाबूलाल जी अटवाशिया को। पॉइंट 80% अंक प्राप्त किए आपने। वंदना जांगीर पुत्र श्री मनोज कुमार जांगीर गोत्र ऑस्ट्रेलिया निवासी मेरता सिटी, आपका 12th कॉमर्स में 94.50% आपने प्राप्त किए, बहुत ही गर्व की बात है। वंदना जांगीर पढ़ना शुरू करते हैं, रात को 10-11-12 कब बजते हैं पता नहीं चलते हैं। पिंकी जांगीर पुत्री श्री रामलाल जी जांगीर गोत्र अटवाशिया निवासी मुंडवा, आपने 12th में 94.40 अंक प्राप्त किए हैं। रेणुका बेटियां हमेशा हर काम में आगे रहती है, समाज का नाम रोशन करती है, अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, उन पे विश्वास रखें। पुत्री श्री आशीष जी जांगीर गोत्र इंद्राणिया निवासी मेरता सिटी, आपने 12th वाणिज्य कॉमर्स में 93.20 अंक प्राप्त किए हैं। लक्षिता जांगीर कविता जांगीर अंक प्राप्त किए हैं। अभिलाषा जांगीर मेरी भांजी है, नराधना 12th साइंस में आपने 91% अंक प्राप्त किए हैं। शाबाश नेहा, वेल डन। सामने देखिए, जितने भी नाम आ रहे हैं आप थोड़ा गौर फरमाएं, बेटियों के नाम ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार जरूर दें। रविंदर जांगीर पुत्र श्री घनश्याम जी जांगीर गोत्र अटवाशिया निवासी बदाना, आपने 12th में 91% अंक प्राप्त किए हैं। रविंदर जांगीर गुट्टीलाल जी जांगीर गोत्र कंकड़ावा निवासी कंवरीलाल जी जांगीर गोत्र कंकड़ावा निवासी झाड़ीसरा, आपने 12th में 90.20% अंक प्राप्त किए हैं। टीना जांगीर पुत्री मनोज कुमार जी जांगीर गोत्र सिलवाल निवासी जायल, आपने 12th में 90.80% अंक प्राप्त किए हैं। आप देख रहे हैं कि बेटियां कितनी पढ़ती, अभी तक वो 90% वाली लिस्ट ही चल रही है, 90 वाली। टीना जांगीर रवीना पुत्री श्री गोपाल जी जांगीर गोत्र लेखरा निवासी खोडवा, आपने 12th कला वर्ग में 90.60% अंक प्राप्त किए हैं। रवीना 12वीं कक्षा के विद्यार्थी तैयार हैं आगे से, रवीना जल्दी आए बेटा। नीरज कुमार जांगीर पुत्र श्री कमलेश किशोर जी जांगीर गोत्र तिराणिया निवासी लाडनू, आपने 12th में 90% अंक प्राप्त किए हैं। दया सागर जांगीर पुत्र श्री राजेंद्र कुमार जी जांगीर गोत्र बोधलिया निवासी कटौती, आपने 12th में
90% अंक प्राप्त किए, आपने 12th साइंस में 88.60% अंक प्राप्त किए हैं। दया सागर भैया थोड़ा सा आगे आइए। कुशाल जांगिड़ पुत्र श्री कैलाश जी जांगिड़ गोत्र हर्षवाल निवासी बालो, आपने 12th में 86.40% अंक प्राप्त किए हैं। पुत्री श्री जितेंद्र जी जांगिड़ गोत्र कुसुम बिवाल निवासी मोंडवा, 12th में आपने 86.40% अंक प्राप्त। भावना जांगिड़ पुत्र श्री देवकरण जी जांगिड़ गोत्र आसलिया निवासी कुटाटी, आपने 12th साइंस में 86.40% अंक प्राप्त किए हैं। भावना रेणु सुतार पुत्र श्री मांगीलाल जी सुतार गोत्र मांडण निवासी नागौर, आपने 12th में 86.80% अंक प्राप्त किए एग्रीकल्चर में। रेणु सुतार नटवर जांगिड़ पुत्र श्री प्रहलाद राम जी जांगिड़ गोत्र लदवाशिया निवासी कटोती, आपने 12th एग्रीकल्चर में 86.20% अंक प्राप्त किए हैं। कंचन पुत्र श्री धनाराम जी कमेडिया गोत्र आसलिया निवासी कंचन कुछ गोत्र जायलवाल निवासी दुगोली, आपने 12th साइंस में 92% अंक प्राप्त किए हैं। 92.40% अंक प्राप्त किए हैं। बहुत ही गर्व की बात है कि जितनी भी 90 प्लस उनमें से 90% बेटी हैं, आपने 12th में 89.60% अंक प्राप्त किए हैं। दिनेश जी जांगिड़ पुत्री श्री हनुमान राम जी जांगिड़ गोत्र बधवाणिया निवासी छिला, 12th में आपने 89.40% अंक प्राप्त किए हैं। सबास सरिता 40% अंक प्राप्त किए हैं। मायापुर अपने ये परसेंटेज आगे की कक्षाओं में यू बना के रखे हैं, उतने ही आप क्यूरियोसिटी जिज्ञासु रहे। कुमकुम जांगिड़ पुत्री श्री नंद किशोर जी जांगिड़ गोत्र कुसुम बिवाल निवासी मोंडवा, आपने 12th में 88% अंक प्राप्त किए हैं। कुमकुम जांगिड़ 40% अंक प्राप्त किए हैं। सभाष संचंद तरुण जांगिड़ 86.40% अंक प्राप्त किए हैं। तरुण जांगिड़ पुत्र श्री राजेंद्र जी जांगिड़, आपने 12th में 86.40% अंक प्राप्त किए हैं। गजेंद्र जांगिड़ कमल जांगिड़ पुत्र श्री घनश्याम जी जांगिड़ गोत्र कंकड़ावा निवासी सरास की दोनों अतिथियों से निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। लेके ही जाएं, बस थोड़ी देर का प्रोग्राम और है। आपसे निवेदन है कृपया बैठें। भोजन प्रसादी की व्यवस्था की 20%। प्रिया जांगिड़ बाबूजी सामने जी लाडनू, आपके 12th साइंस में 85.80% अंक हैं। नंदनी लाड दुदोलिया निवासी तरनव, 12th आपने 87% अंक प्राप्त किए हैं। और खुशी की बात पवन सुथार क्रियान्वयन के लिए रामलाल जी को इनवाइट करूंगा। आए आप हासिल किए हैं, आप पधारें और अपना पारितोषिक ग्रहण करें। नवीन जांगिड़ या इनके रिलेटिव है तो आप पधारें। अगला नाम है सुमित जांगिड़ सरवण जांगिड़, बरडवा निवासी है, बरडवा गोत्र नागौर के निवासी है। आपके भी 95% 10th स्टैंडर्ड में आप भी पधारें। सुमित जांगिड़ आप पूजा
चेनाराम जी जांगली नदोइया सत्यारण टेंथ के अंदर 94.83% पूजा टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चे रेडी रहे। श्री मूलाराम जी जांगली नागल पांचोड़ी आपने भी 94.50 चौथे अंक अर्जित किए हैं, आपका भी स्वागत। नौका के पूर्व सरपंच परशुराम जी की पोत्री है और सरपंच साहब ने जैसे नाम कमाया है इसी प्रकार से बच्ची भी नाम कमार आगे बढ़े। अगला नाम सरस्वती जांगीर जेठमल जी जांगीर कुसुम्बीवाल मुंडुआ आपका टेंथ स्टैंडर्ड में सामने 93.83% 93.83% अंक अर्जित किए हैं, आप भी प्रशंसा के पात्र हैं और अपना प्रशंसित पत्र और मोमेंटम प्राप्त करें। अशोक सामने देखो सा पलक सुतार अमृतलाल सुतार माकड़ निवासी श्रीपाल किए हैं पधारे। पलक या इनके रिश्तेदार आए हैं तो आप पधारे। 2.67 92.67% आपने अर्जित किए हैं। रिधिमा 92.50% अंक अर्जित किए हैं। आनंद सुधा पुत्री तुलचाराम जी बदवानिया निवासी छिल्ला आपने टेंथ में 92%। पुत्री श्री रामप्रसाद जी जांगीर लेखरा निवासी खोड़वा आपने 91.83% एक्वायर किए हैं। मानसी मानसी भरत जांगीर पुत्र श्री दिनेश जी जांगीर पादरण एक्वायर किए हैं। योगेश उतार शुभम जांगीर नरेंद्र कुमार जी जांगीर शिलक मेहता रोड आपने 90.67% एक्वायर किए हैं। 90.67% एक्वायर किए हैं। कुसुम जांगीर कुसुम खुशबू पुत्री श्री शुक्राम जी जांगीर जाजम निवासी हसोलाव आपने 90.50 टेंथ में 90.50% अंक अर्जित किए हैं। प्रिया जांगीर पुत्री श्री सीताराम जी जांगीर जाइलवाल बागोट परबसर से हैं आपने पुत्र श्री रामोतार जी गोत्र दियावड़ा निवासी मुंडुआ। भविया जांगीर रामप्रसाद जी जांगीर जाइलवाल डीडवाना निवासी देव जी जांगीर गोत्र दरानिया निवासी मांझी टेंथ में आपने 87% अंक प्राप्त किए हैं। गोत्र रानका निवासी नागौर टेंथ में आपने यशवंत। सूरज जांगीर पुत्र श्री मुकेश जी जांगीर कुसुम्बीवाल मुंडवा निवासी आप में ज्यादा प्रतिभाएं शायद नागौर को भी सप्रेस कर रही है दबा रही है, हो सकता है समाज बंधु जो मुंडवा में है जी पुत्र श्री शुक्राम जी जांगीर चावेल रूड निवासी है आप शिक्षा समिति बनी हुई है और उसमें श्रवण जी खुद आयोजक आयोजन समिति में है और जिया ने 85.60% अंक प्राप्त किए हैं। इधर इधर सामने दीपिका राम किए हैं किए हैं। ललित मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रामेश्वर जी एवं गिरधारी जी मंच पर पधारें, छात्रों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिभा सम्मान करें। श्रीमान रामेश्वर जी एवं गिरधारी जी प्रतिभा सम्मान के क्रम में गौरव कांगसिया पुत्र श्री रोशन लाल जी कांगसिया जिन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में 9.18 CGPA के तहत स्थान प्राप्त किया है, विश्वकर्मा विकास समिति इन्हें सम्मानित करती है। प्रतिभाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए लगातार तालियों से उत्साहवर्धन करते रहें।
एग्रीकल्चर में 86.4% प्राप्त किया है। तुरंत बता रहे रामविलास जांगड़, पुत्र श्री कमरीलाल जांगड़, माकड़ इंगड़ अठवासिया, जिन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स में 73.14 प्राप्त किया है, में 72.8% प्राप्त किया है। इंद्रराज जांगड़ गोत्र सिलक निवासी सांजू से हैं, जिन्होंने एसबीआई जूनियर असिस्टेंट में जिनका चयन हुआ है। ताज जांगड़ पुत्र श्री इंद्रराज जांगड़ बता रहे। सुनो पहले इनका तो करो, हाथ लगाइए इधर फिर सामने। जांगड़ पुत्री श्री परमेश्वर घनश्याम जांगड़ पालड़िया नीमड़ी चांदावता से बीएससी मैथ्स में जिन्होंने 74% प्राप्त किया है। समाज को इन पर गर्व है, तालियों से उत्साहवर्धन करें। पूनम जांगड़ पुत्री श्री हरिराम जांगड़ कड़लवा सड़ऊ से बीएड में 70। नवीन जांगड़ पुत्र श्री गिरधारी राम जी दामू बाड़वा से, जिन्होंने पवन जांगड़ गेवरचंद जांगड़ राम सुंदर जांगड़ गोवर्धन राम जी कड़लवा निवासियों एवं पधारे हुए अभिभावकों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, कृपया धैर्य बनाए रखें थोड़ी देर। कविता जांगड़ रामचंद्र जी जांगड़ दारानिया खिंगसर से पधारे हैं, एमएससी मैथ्स में जिन्होंने 70.3% प्राप्त किया है। स्टेज की ओर पधारे। ममता जांगड़ रामदयाल जी जांगड़ ममता राणा से बीएससी 72% से, नागौर से आईटीआई ने 85.4% प्राप्त किया। मंच की ओर पधारे। पोलियो सर्वेलेंस में आपने उत्कृष्ट कार्य किया है, आपको जिला स्तर पर सम्मानित किया गया था। जो शिक्षा के प्रति जागरूकता है उसको देखकर बहुत ही खुशी हुई कि आने वाले समय में ये बच्चे अगर इस तरह से ही आगे बढ़ते रहे तो प्रशासन पर कब्जा करीब करीब जांगड़ समाज का होगा। और जिस परिवार भी लेफ्टिनेंट साहब ने बताया था कि बारी में अगर कोई बच्चा 90% है आगे जाकर के वो डाउन हो जाता है ग्रेजुएट में या कंपटीशन में, तो ऐसे बच्चे भी बहुत होते हैं जो बारहवीं तक तो टॉप पर रहते हैं लेकिन वो ग्रेजुएशन के समय अपना उस प्रकार से कंपटीशन नहीं कर पाते जिस तरह से वो बारहवीं में रहते हैं। उसके लिए भी वो जागरूक होकर के उसी लगन से और उसी परिवेश में अपना अध्ययन जारी रखें ताकि आगे भी वो इस प्रकार से कंपटीशन समाज का विकास में पूरा पूरा सहयोग दे सके। जैसे बताया कि राजनीतिक में हमारा वर्चस्व कम है, मैं ये समझता हूँ कि हम संख्या में कम है तो हो सकता हम कहीं राजनीतिक में या चुनाव में कहीं भी सरपंच पार्षद किसी प्रकार नहीं जीत पाते हैं, तो बच्चे जो इस तरह से कंपटीशन में तैयारी करके यदि कोई एक कलेक्टर बन जाता है तो आजीवन वो एमएलए एमपी से बढ़कर होता है। एक कलेक्टर बनता है वो 40-30 साल काम करता है और जो एक पार्षद या कोई एमएलए एमपी बनता है वो 5 साल के लिए होता है। तो इस प्रकार जो बच्चे इस लगन से लगे हुए हैं बहुत ही शुभ घड़ी और शुभ समाचार है। अब मैं जो इस विकास समिति का साल भर का आय व्यय है वो आप सभी समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस विकास समिति को प्रतिभा सम्मान समारोह में पिछले वर्ष जो सम्मान समारोह हुआ था उसमें 78,000 रुपये प्राप्त हुए थे। दुकान किराए आय प्राप्त नगद जो दुकानें हमारी भवन में बनी हुई है उनसे आय हुई है 283,315 रुपये। दुकान किराया बैंक द्वारा
जो दुकान किराया कई लोग बैंक द्वारा भी देते हैं वो 42,100 रुपए, भवन किराया जो भवन हमें शादी विवाह में किराए के लिए देते हैं उससे आई हुई है 1,83,800 रुपए, बैंक से ब्याज मिला है 3,371 रुपए, बैंक में नगद जमा कराए 4,60,000, बैंक से नगद निकले हैं 1,00,000 रुपए, चंदे से आई हुई अपने को 21,73,800 रुपए, जिसमें ये दानदाता भमासा कमरे वाले भी शामिल है। चंदे से आई बैंक द्वारा हुई है, किसी की नेट या किसी का चेक प्राप्त हुआ है वो है 5,35,000 रुपए का। इसमें कमटा खर्च में कुछ केस कम पड़ गया, उसके लिए भगवान प्रसाद जी से जो हमारे विकास समिति के अध्यक्ष हैं उनसे 1,10,000 रुपए रोकड़ लिए थे, तो कुल प्राप्ति 39,66,386 रुपए साल भर की आई, 39,66,386। इस प्रकार से ये कुछ खर्चे हैं जो पिछले प्रतिभा सम्मान समारोह में मनाने में खर्च हुए थे 1,63,143 रुपए, और उसमें बैंक कमीशन बैंक द्वारा कटौती की गई है 497 रुपए, भवन व छात्रावास बिजली का भुगतान 58,765 रुपए, छात्रावास में कमटा खर्च जो छात्रावास में ऊपर कमरे और बरामदे बड़े हैं उनके लिए खर्च हुआ है 23,27,750 रुपए, बैंक में नगद जमा कराए 4,60,000, बैंक से आरण 1,00,000 रुपए, भगवान प्रसाद जी से जो 1,10,000 रुपए लिए थे उनको वापस दे दिए हैं, शेष भुगतान आज के दिन जो विकास समिति के पास नगद रुपए है वो 7,10,902 रुपए, विकास समिति के पास कैश इन हैंड 7,10,902 रुपए, बैंक में बैंक पोते 17,359 रुपए। इस प्रकार से हमारा यह साल भर का आय व्यय। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम जी, आपने जो बिल्कुल कैलकुलेटिव फॉर्म में समाज के सामने अपना हिसाब प्रस्तुत किया, समाज की प्रतिभा है करीना जो अपने कुछ शब्द बोलना चाहती है, तो मंच पे आमंत्रित है करीना। और समाज एंड एस्टिमेटेड गेस्ट, माय रिस्पेक्टफुल गेस्ट एंड रिगार्ड्सफुल गेस्ट, आई एम करीना जंगेट फ्रॉम संकवास। आई वेलकम टू ऑल माय रिस्पेक्टेबल गेस्ट, जीनियस स्कॉलर्स एंड न्यू स्कॉलर्स। द वर्ड दैट स्पीक्स दैट द मैनिफेस्टो द सिग्निफिकेंस द डेमोन्स्ट्रेट दैट अपॉन द डायमेंशंस ऑफ लाइफ, द डायमेंशंस वेयर यू सी द लाइफ इज इवॉल्विंग अराउंड देम, वी फाइंड आवर सेल्व्स, यू आर गोइंग टू क्लोजर 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 एंड एट द एंड क्लोजेस द रियल एस्पेक्ट। कहने का मतलब अगर शरीर को डिफेंड किया जाएगा तो क्या होगा, हम भी ईश्वर है, हम भी उसी का अंश है, लेकिन जब हमें साकार रूप मिलता है, एक नया भौतिक स्वरूप मिलता है, एक एक्सपोजर मिलता है, तो हम भी मनुष्य बन जाते हैं। और जो हमारे अंदर एक आत्मा होती है, एक स्प्रिट होती है, एक सॉल होती है, वही ईश्वर होती है। उसी तरीके से अगर इस पूरे के पूरे चराचर के अंदर, इस पूरी की पूरी कायनात के अंदर अगर क्रिएटिविटी रचनात्मकता, दैट व्हाट डू यू मीन अ क्रिएटिविटी, जैसे जैसे कि आपने एक बॉटल बनाई, आपने एक टी शर्ट बनाई, आपने एक मार्कर बनाया, तो ये आपकी क्रिएटिविटी है। ये एक मेन काइंड की क्रिएटिविटी है जो किसी भी स्पेसिस में नहीं पाई जाती, लेकिन इसी के साथ साथ आपकी नैतिकता, आपकी मौलिकता, आपके मूल्य, आपके विचार, आपके सिद्धांत, आपकी सोच, ये सब जब एक नया रूप लेती है, एक नया एक्सपोजर लेती है, नए रूप में तैयार होती है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी है। जैसे जब शरीर को भूख लगती है तो वो भोजन की तलाश करता है ना, उसी तरह से जब जैसे हमारी आत्मा
माता को भूख लगती है तो वे भी अपने लिए भोजन की तलाश करती है। जिस प्रकार अच्छा भोजन करके शरीर को हष्टपुष्ट बनाया जा सकता है, उसी प्रकार अच्छी सोच रख के आत्मा स्वस्थ रखी जा सकती है, और उसी तरीके से सेम डिटो वो उच्च आदर्शों को भी प्राप्त कर लेती है। तो कहने का मतलब आप अलग नहीं है, आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन जब बात यहाँ क्रॉस कट करने की आती है, जब बात यहाँ ओवरलैप करने की होती है, तो बस एक विषय हमारे सामने खड़ा होता है, वो ये कि आज का जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है जिसमें हम सराउंडेड है टेक्नोलॉजी से, मशीन से, इनोवेटिव से, इन्वेंशन से, बजट से, पता नहीं किस किस चीजों से, तो इसमें आपके जो आदर्श है, आपके सिद्धांत, आपके मूल्य, आपके विचार, आपके सोच, और साथ ही साथ कहने का मतलब जीवन का साहित्य कहाँ स्टैंड कर रहा है, यही क्वेश्चन बार बार हमारे सामने आता है। क्या होता है जब हम जीवन की बात करते हैं, जब अपनी लाइफ की बात करते हैं, तो एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन कंपोनेंट्स के अंदर, इन एलिमेंट्स के अंदर जीवन है जो हमें नजर आता है। और जब ये बात किसी महापुरुष के द्वारा कही जाती है तो ये एक माइलस्टोन बन जाती है, कहने का मतलब एक मील का पत्थर बन जाती है, और हमारे लिए वे मार्गदर्शन के, एस्पिरेशन के, मोटिवेशन के, इनकरेजमेंट के जो एक जीवन रूपी गाड़ी है, धीरे धीरे उसे आगे लेके चलती है, और हमें ये एहसास करवाती है कि जीना इसी का नाम है। जहां आज हम बात करेंगे माई थ्री पैशन की, जब जीवन में कहीं ना कहीं जब जज्बे की बात होती है, जब उत्साह की बात होती है, जब जोश की बात होती है, तो एक मतलब जीवन आपसे कहता है, जैसे वसीम बहरदेव जी कहते हैं कि जहां उसूलों पर आ जाए वहां टकराना जरूरी है, कि जहां उसूलों पर आ जाए वहां टकराना जरूरी है, जो जिंदा है वो जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा है वो जिंदा नजर आना जरूरी है। जीवन कहता है, जीवन सुनता है, जीवन पूछता है बार बार हमसे ये एक क्वेश्चन कि अगर आप जिंदगी जी रहे हैं तो इसका मुझे सबूत दो। क्या ब्रेथ लेना ये जिंदगी है? क्या खाना खाना ये जिंदगी है? क्या आहार निद्रा करना ही जिंदगी है, या जिंदगी इससे कुछ अलग भी है? जब इस क्वेश्चन की बारी आती है, जब इस क्वेश्चन का स्पेस आता है, तो कहीं ना कहीं से इसका आंसर भी इफेक्टिव होता है। जब बात आती है कि कभी कभी क्या होता है कि हम एक ऐसी चीज में अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, जहां जो जीवन होता है वो वहीं रुका हुआ सा लगता है, उस समय को मैकेनिकल एस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और यही हमारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये घड़ी जैसा बनता है, और ये घड़ी दिखने में तो काफी छोटी चीज होती है, लेकिन बड़े कमाल की होती है। हमें ये लगता है कि ये हमें डोमिनेट कर रही है, जो भी सारे कमांड्स हैं वो इसी के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन जो ये खामोशी में या फिर टिकटॉक के साथ जो हमें कहती रहती है, इसके साथ हमारे इमोशंस, सेंटीमेंट्स सारे जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ आकर के हमारे साथ में भी एक इस तरह की बात है जो शेयर की जा रही है, जिसका नाम घड़ी है, जहाँ पर सेंटीमेंट्स, इमोशंस, अटैचमेंट्स इस कदर आपस में एक हो गए कि घड़ी सिर्फ घड़ी ही नहीं रही, बल्कि इससे अलग भी बन गई। अब क्या बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, ये हमें समझना है। एज वेल एज आज के स्टूडेंट्स लाइफ में सोशल मीडिया के कारण स्मार्टफोन बहुत ही गलत लत बन चुकी है बच्चों के लिए। हमेशा याद रखिए, अगर आप स्मार्टफोन का उपयोग स्मार्टनेस मैनर से नहीं करेंगे, तो एक दिन वही स्मार्टफोन आपको गलत लतों का बादशाह बनाकर रख देगा। और ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन का आप यूज मत कीजिए, कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई भी 8-10 घंटे मोबाइल में मशगूल रहकर के सफल होने का सपना देख सकता है, बल्कि आज भी किताबों से लगाव रखकर अपनी जिंदगी को सफल बनाया जा सकता है। मोबाइल के साथ साथ नशा भी आज एक कॉमन सी प्रॉब्लम बनकर सामने आ रही है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी उन युवा भाइयों से जो नशे की प्रवृत्ति की ओर प्रोसीड है, नशा एक अभिशाप है, सबको ये समझाए कि नशा एक अभिशाप है, सबको ये समझाए, देश का भविष्य है युवा, जीवन उनका बचाए। देश का भविष्य कैसे होगा ये युवाओं पर ही डिपेंड करेगा। इन सब के साथ साथ हमें गर्ल्स एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए। कहते हैं कल तक जो थी नादान बना रही आज खुद की पहचान, शिक्षा से बन रही अब महान, समाज में बढ़ रहा उसका सम्मान। कहने का मतलब
पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़कर बेटियों को अपने बेटे के बराबर दर्जा देकर के उन्हें एजुकेशनल फील्ड में आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा। मोदी नेता, प्लीज टेक इट सीरियसली। जो मेहरता से हमारे मेहमान पधारे हैं, इनका स्वागत। बंधु जो पधारे हैं, आप भी मंच पे पधारे हैं, जो नाथुराम जी बड़ा अच्छा लीडिंग कर रहे हैं और बहुत ही सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करके देते हैं। नाथुराम जी अपनी टीम के साथ पधारे हैं। मुंडवा, तहसील मुंडवा। पधारे मुंडवा वाले। बेटा थोड़ा पीछे। जी हरिराम जी, उनकी टीम मंच पे बता रहे। डीडवाना से किशन जी अपनी टीम के साथ बता रहे। करने में सेव प्रदान करें, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता है, आप भोजन व्यवस्था के अंदर सहयोग प्रदान करें। अब तक जितने दिन बताए लाएगी फोटो। हाँ भाई, सामने देखिए।